आयुष मंत्रालय वर्तमान में पूरे उत्तर पूर्व में 286 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू कर रहा है। मैंने आज गुवाहाटी में आयुष अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इन परियोजनाओं का काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। दूसरी ओर बहुत जल्दी ही डिब्रूगढ़ में 80.86 करोड़ रुपए की लागत से योग एवं प्राकृतिक अस्पताल का शिलान्यास और 34.33 करोड़ रुपए की लागत से अजरा गुवाहाटी में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन की आधारशिला रखी जाएगी। मैंने 10.45 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में G3+G2 भवनों को इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत नेतृत्व में आयुष हमारी सरकार के लिए रुचि और प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्वोत्तर में क्षेत्र और अधिक करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हम पूर्वोत्तर में आयुष क्षेत्र की सर्वोत्तम संभावनाओं को सरकार साकार करने के लिए त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं। सारे उत्तर पूर्व में जितना भी हमारे राज्य है और हर राज्य में हमारे हर्बल गार्डन के सिलसिले में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के तरफ से 100 से अधिक को अनुमोदन दी गई है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे हर्बल गार्डन बने और हर्बल गार्डन के जरिए जो भी वहाँ उत्पादित सामग्री जो होंगे मेडिसिनल वैल्यू प्लांट जो भी होंगे इनके लिए प्रोडक्शन प्रोक्यूमेंट और मार्केटिंग ये जो सेन है इसके लिंकेज के सिलसिले में भी हम प्रतिबद्ध हैं। तो नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड के तरफ से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने जो हम बोलो एक टाइप की है जिसके वजह से भविष्य में अगर कोई उत्पादित भी करे उसके लिए कोई मार्केट क्राइसिस ना हो उसको सही मूल्य मिले सही भाव मिले इसके वजह से सारा नॉर्थ ईस्ट में एक माहौल बनी है ताकि भविष्य में हमारे नई पीढ़ी इस विषय को ध्यान से ले और रोजगार में ये उनके लिए बहुत बड़े मदद होंगे। धन्यवाद।